वो कहते हैं कि जनाब कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। कलमा तो हर ऐरे गैरे नत्तु खैरे ने पढ़ लिया था, निकाह अबू तालिब के अलावा कोई नहीं पढ़ सका। काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, नबी पालने का मौका सिवाय अबू तालिब के और किसी को नहीं मिला था। अबू तालिब के घर में नबी पले हैं। हाँ, नबी इस तरह से पले, अब हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान। तो इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर करार को पाला। ऐसे ही है, हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान। इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर करार को पाला, करार ने हसनैन से शाहकार को पाला। तो नतीजा क्या हुआ, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। ऐसे ही हजरत अबू तालिब की वफात हुई ना, तो अल्लाह का हुक्म आया कि आप छोड़ दीजिए मक्का और मदीना जाइए। ये अल्लाह सुबहान व तआला का हजरत अबू तालिब को खामोश खिराज अकीदत है कि ए मुस्तफ़ा, हम अबू तालिब के बाद किसी और का एहसान लेना ही नहीं चाहते। क्या बात है, ये बात पहुंच रही है। हम अबू तालिब के बाद किसी और का एहसान आप पे नहीं लेना चाहते। एक खदीजा का एहसान है, एक अबू तालिब का एहसान है, बस। एक फातिमा की माँ का एहसान है, एक अली के बाप का एहसान है। इसके अलावा आप पर हम किसी और का एहसान लेना ही नहीं चाहते। आप छोड़ दीजिए मक्का, फकत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान। और ये अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना, अब मैं फिक्रा कहने लगा हूं, ताकि आप मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक नजफ रसा नारा लगाएंगे इस बात पर, इसलिए कि मैं समझता हूं कि बात इस लायक है और इस काबिल है। मैं अपनी गुफ्तगू में पहली मरतबा अब यह बात कह रहा हूं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम से जो दुश्मनी है ना, वो फजीलत की दुश्मनी है। असल में अबू तालिब से दुश्मनी जो है वो फजीलत की दुश्मनी है। जानते हो कौन सी फजीलत की दुश्मनी? इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था, नबी पालने का मौका सिवाय अबू तालिब के और किसी को नहीं मिला था। अबू तालिब के घर में नबी पले हैं। हाँ, नबी इस तरह से पले, अब हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान। तो इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर करार को पाला। ऐसे ही है, हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान। इमरान नेता अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर करार को पाला, करार ने हसनैन से शाहकार को पाला। तो नतीजा क्या हुआ, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने जमाने के सरदार थे।